हेलो एवरीवन, फिर से आपका नई वीडियो के ऊपर स्वागत है। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि IRCTC एजेंट बनने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, मतलब मैं आपको दोनों चीज़ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि फ़ायदे क्या हैं और आपको नुकसान क्या है IRCTC एजेंट बनने के, मतलब IRCTC जो रेलवे का है उसके अगर आप एजेंट बन जाते हैं, टिकट बुक करने वाले मतलब टिकट बुक करते हैं उसके एजेंट बन जाते हैं, तो आपको फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या है मैं आपको दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी कंपनी के पास आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की बुराई नहीं करते हैं, उस प्रोडक्ट के बस बेनिफिट बेनिफिट आपको बताया जाता है, उसके नुकसान नहीं बताए जाते हैं। सेम ऐसे ही है जब आप कोई एजेंट बनते हैं और किसी एजेंट के साथ आपकी बात होती है तो वो आपको फ़ायदे ही फायदे बताता है, नुकसान नहीं बताता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपके भी दिमाग में है, आपके दिमाग में भी आई है आइडिया आया होगा कि हम भी IRCTC के एजेंट बन के मतलब टिकट बुक करके हम भी अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में है आइडिया आया है या सजेशन आया है तो आप इस वीडियो को देखें और आपको पता चलेगा क्या हमें एजेंट बनना चाहिए, क्या एजेंट नहीं बनना चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें ताकि जो भी फ्रेंड्स ऐसे सोच रहे हैं कि मैं भी IRCTC का एजेंट बन जाऊँ और मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा तो उनको भी पता चल जाएगा नुकसान क्या है, और जिनको नुकसान का पता है तो उनको फ़ायदा भी पता चल जाएगा कि IRCTC एजेंट बनने के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को सेलेक्ट करें तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि IRCTC एजेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या ID होनी चाहिए, क्या प्रूफ होना चाहिए ताकि जब जाके आप IRCTC के एजेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि फ्रेश, मतलब जो IRCTC जो अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक फ्रेश मतलब आपके पास एक नई ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर होने चाहिए, उसके बाद आपके पास फ़ोन होना चाहिए और याद आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ऑफिस है उसका नाम होना चाहिए आपके पास या दुकान का नाम होना चाहिए। बनोगे तब आपसे भी आप भी पैसे पे करोगे तभी जाके आप एजेंट बनोगे, ऐसा नहीं है कि आप पॉकेट में एजेंट बन जाओगे, आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेगी, आपको भी पता चलेगा कैसे बनोगे, क्या क्या चीज़ बात होती है, सारी डिटेल जब आप वहाँ पर मतलब अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगी, एजेंट से आपकी भी बात होगी, तब जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि आपकी अर्निंग हो सकती है, लेकिन आपकी खाली टिकट बुक करके आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप एजेंट मत बनना, मेरा यह भी आप लोगों से सजेशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेन के हम टिकट बुक करके अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको यह चीज़ नहीं करनी है, आपको एजेंट नहीं बनना है। आपको इसके अलावा बस टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल बुक करने आने चाहिए, आप ये सारे मतलब सोशल मीडिया के जो आपको काम आने चाहिए तब जाके आपको एजेंट बनना है। अगर आप स्पेशल ट्रेन टिकट करने के आप एजेंट बन गए हैं तो नहीं करना, आपको ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि फिर आपको फ़ायदा ही क्या होगा, फ़ायदा नहीं होगा भाई। अगर आप स्पेशल IRCTC के एजेंट बन के आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे। फ्रेंड्स ये दो फायदे बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप IRCTC के एजेंट बन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके अलावा नुकसान मैं बता देता हूँ, फ़ायदा दो है, अर्निंग हो सकती है लेकिन अर्निंग जब होगी जब आपके पास इसके अलावा और भी आप सोशल मीडिया के ऊपर मतलब बस टिकट बुक करते हो, फ्लाइट टिकट बुक करते हो, होटल बुक करते हो, तब जाके आप और भी अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब IRCTC के आप एजेंट बन जाते हैं तो आपको नुकसान क्या क्या होते हैं, क्योंकि IRCTC के जब आप एजेंट बनते हैं तो एजेंट के साथ जब आपकी बात होती है तो बेनिफिट बताता है, नुकसान नहीं बताता है। तो नुकसान मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना है, कस्टमर होने चाहिए भाई आपके पास, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। IRCTC एजेंट बनने से पहले आपको यह पता करना है कि इस एरिया के अंदर इस मतलब IRCTC ट्रेन के कस्टमर हैं कि नहीं है, जो यात्रा करते हैं वो हैं कि नहीं है, क्या मेरे पास से टिकट बुक करने आएंगे नहीं आएंगे, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो आपने IRCTC के आप एजेंट बन गए हैं, टिकट आपसे कोई बुक नहीं करवा रहा है, आप टिकट किसी की बुक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको फ़ायदा क्या है, आपको तो फिर जो अर्निंग होगी नहीं, जब अर्निंग नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या है एजेंट बनने का, IRCTC एजेंट बनने का फ़ायदा क्या है। दूसरा पॉइंट, कस्टमर की डाउट आप क्लियर नहीं करते हो, अगर आप कस्टमर के डाउट क्लियर नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। मान लो मैं आपके पास आया हूँ और मेरा डाउट है जो कि मैंने आपको बताया और आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप IRCTC के एजेंट हो लेकिन आप डाउट क्लियर नहीं कर सकते हो, तो फिर
आपका मतलब मैं फिर दोबारे आपके पास नहीं आऊँगा, आपकी जो ग्राहक है वो टूट जाएंगे, आपके पास दोबारा नहीं आएंगे, तो यह भी सबसे बड़ा नुकसान है। IRCTC के एजेंट बनने के बाद आपको उसको क्लियर डाउट क्लियर नहीं करते हैं तो आपके पास आपकी जो ग्राहक हैं आपके जो कस्टमर हैं वह दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा पॉइंट, टिकट बुक नहीं कर पाते हो। आप IRCTC के एजेंट बन गए हो लेकिन आप टिकट बुक नहीं कर पाते हो तो फिर फ़ायदा क्या है IRCTC एजेंट बनने का। मैं गया हूँ आपके पास कि भाई यार मेरी टिकट बुक कर दो, और आप घंटे दो दो घंटे लगा देते हो एक टिकट बुक करने में, तो फिर फ़ायदा क्या है? एजेंट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल भी कर सकता है, अगर दो दो घंटे तक बंदा एक ही टिकट बुक करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये तीन मैं नुकसान बताए हैं, और भी नुकसान है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप IRCTC अर्निंग करना चाहते हैं तो आप कभी भी एजेंट मत बनना। अगर आप IRCTC के अलावा होटल, बस टिकट या फ्लाइट टिकट भी बुक करते हैं तो आप IRCTC एजेंट बन सकते हैं, ताकि आप लोगों के, और आपके पास कस्टमर भी होने चाहिए, कस्टमर के डाउट भी क्लियर करने चाहिए, करने आने चाहिए, और टिकट बुक हैं वो तुरंत आप जल्दी से जल्दी बुक कर सके, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या उनको अगर भाई आए तुरंत उनसे अच्छे बिहेवियर से बात की, अच्छे तरीके से उनसे बात की, तब जाके आपको काम करना है। ये नहीं है कि भाई मैं एजेंट बन गया तेरी करूँगा करूँगा नहीं करूँगा, इस तरीके से मतलब एक एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। जो बंदा आता है उसी कस्टमर के हिसाब से आपको अपना नेचर भी चेंज करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है IRCTC बनने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। नुकसान मैंने आपको दो बताए हैं, सॉरी नुकसान मैंने आपको तीन बताए हैं, फायदे मैंने आपको दो बताए हैं। अब आपके ऊपर, और जो नुकसान बताए उनको कैसे आप फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आप समझ गए हैं। आप इतने तो समझदार हैं, अगर आप IRCTC के एजेंट बनना चाहते हैं तो आप इतना समझदार हैं कि कैसे नुकसान को हम फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। स्पेशल बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं, मैं फिर से बता दिया है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।